बिग बी बेहद दुखी हैं। उन्हें इन दिनों खालीपन का एहसास सताने लगा है। लेकिन आखिर क्या है ऐसा जिसने बिग बी को दुखी कर दिया है? आपको बता दें, दरअसल केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति बंद होने जा रहा है, इसलिए अब अमिताभ बेहद दुखी हैं। उन्होंने बाकायदा इसके लिए एक इमोशनल नोट लिखा, अपना ये दुख सबके साथ साझा किया है। सीजन 14 अब अपने फिनाले की ओर है, यानी ये सीजन खत्म होने जा रहा है। इसे लेकर अमिताभ काफी दुखी हैं। बिग बी ने लिखा है कि इस शो में कई सेलेब्स और कई लोगों से वे बेहद इंस्पायर हुए हैं। अब शो के बंद होने से उन्हें क्रू कास्ट को रूटीन में एक खालीपन का एहसास होगा, लेकिन उम्मीद है कि सब जल्द फिर मिलेंगे। अमिताभ ने आगे ब्लॉग में बताया है कि केबीसी के मंच पर कई अलग अलग तरह की शख्सियत से मिलना हूं, जिन्होंने समाज और देश के प्रति अहम योगदान दिया। उन लोगों से बात करना सम्मान की बात रही, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। उनकी शैक्षिक सोच और विचार, अपना भरोसा, विश्वास, अनुशासन और बेस्ट शॉट देकर जो कुछ उन्होंने हासिल किया, ये सबके लिए एक सीख बनी। अमिताभ ने लिखा, अलविदा कहना अभी भी थोड़ा अजीब है। बिग बी की इस पोस्ट से ये साफ है कि केबीसी सीजन 14 खत्म होने से वे नाखुश हैं और इसे लेकर इमोशनल भी हो रहे हैं। अमिताभ और केबीसी का बहुत ही लंबा एसोसिएशन रहा है। सन 2000 में केबीसी के लॉन्च के साथ ही अमिताभ इसे होस्ट कर रहे हैं और हर सीजन में अमिताभ पहले से ज्यादा जुड़े हुए और रिफ्रेशिंग नजर आते हैं। बिग बी और ये शो एक दूसरे के मानो पर्याय बन चुके हैं। केबीसी का ये 14वां सीजन इसलिए भी बेहद जबरदस्त रहा क्योंकि इसी सीजन में बिग बी ने अपना 80वां जन्मदिन मनाया, जिसमें जया बच्चन और अभिषेक बच्चन भी मौजूद रहे। लेकिन अब ये शो खत्म होने के चलते वे बेहद दुखी हैं, पर एक उम्मीद के साथ वो छोड़ रहे हैं कि हम जल्द मिलेंगे, यानी केबीसी का नया सीजन आएगा जिसमें हम फिर से बिग बी को नए अंदाज में जरूर देखेंगे।